गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप तो जानते हैं कि अबीरा और अरमान के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा टैंट्रम्स क्रिएट किया किसने, रूही ने, यानी कि वो फेक रिपोर्ट, प्रेगनेंसी रिपोर्ट की कभी अबीरा माँ नहीं बन सकती। बट फिर भी सब चीज़ के खिलाफ जाके हमारे अरमान भैया ने अबीरा से शादी कर ही ली। बट यहाँ पे जो विद्या है वो उसने काफ़ी बददुआएं दी, बट फिर भी जो दादी सा है कावेरी पुद्दार, मुझे इनका समझ में नहीं कैसे एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि विद्या तो ये भी चाहती थी कि अरमान यहाँ पे रहे नहीं, बट जस्ट बिकॉज कि दादी सा ने जिद किया तो अरमान इस घर पे रह रहा है पुद्दार हाउस में। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रोहित है वो एक सजेस्ट करता है अबीरा को कि देखो जो होना था वो हो गया, अब तुम माँ के दिल में अपनी जगह बनाओ। और उनका भी बर्थडे आने वाला है तो वो हमेशा बर्थडे जो है अपने बेटे अरमान को लेके बहुत खुश रहती है, तो तुम ऐसा ही कुछ करो। और जैसे अरमान को इस मैटर पे पता चलता है वो बोलते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर उनको पता चलेगा विद्या को कि ये सारा चीज तुम कर रही हो तो वो ये सेलिब्रेशन को अटेंड भी नहीं करेगी। एंड दूसरे हाथ में अरमान अपने माँ के लिए केक बनाता है। सो गाइज यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। रूही भी अपनी ज़िंदगी में सोची भाई मैंने बहुत सारा चीज़ कर दिया, अब मैं अपने हस्बैंड यानी कि रोहित के साथ आगे बढ़ूँ क्योंकि अरमान तो मुझे मिलने नहीं वाला। बट अरमान जो अपनी माँ की बातें उसके दिमाग में घूम रहा है कि उसने जो मुझे बददुआएं दी कहीं वो हमारी ज़िंदगी को स्पॉइल ना कर दे। सो गाइज दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। हाउ मच यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।